2011 में जातीय जनगणना हुआ पड़ा है पूरे देश में, उस आंकड़े को रिलीज किया जाना चाहिए, उसमें कुछ कमी बेसी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस समय उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल रहे हैं भाजपा के साथ, आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से कि काहे नहीं उसको रिलीज कराए? और नहीं रिलीज कराए तो उस समय काहे नहीं छोड़े, काहे नहीं छोड़े भाजपा को? जब मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया तो उस समय अच्छा लग रहा था, जब भाजपा मुख्यमंत्री हटाने के लिए सोच लिया तो उस समय आपको जातीय जनगणना याद आ रहा है? आपसे होशियार और बिहार की जनता से बेवकूफ कोई नहीं है। अरे यहाँ जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लोग यहाँ शराब आपके बेवकूफी के वजह से सरासर नीतीश कुमार के बेवकूफी और उसके उस आदमी के अहंकार के वजह से सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है, इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जातीय जनगणना में उलझ गए, यहाँ उद्योग लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो कह रहे हैं समंदर नहीं है। अरे भाई जब आप मुख्यमंत्री बने तो समंदर था, वो हट गया है। पंजाब में समंदर है, तेलंगाना में समंदर है। किसी पत्रकार ने हिम्मत करके पूछा नीतीश कुमार से कि जरा बताइए तो तेलंगाना में कहां समंदर है, यहां जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ उसके समंदर से क्या लेना देना है, उसका खनिज से क्या लेना देना है? कोई बेवकूफी की बात कोई बता देता है वही लोग चलाए जा रहे हैं। गन्ना चीनी मिलों के बंद होने का और खनिज से क्या लेना देना? कहता है झारखंड चला गया इसलिए खनिज नहीं है। सारण चंपारण के एरिया में 33 चीनी मिल थे, वो तब यहां पर कौन सा खनिज से वो चल रहा था कि यहां के गन्ने से वो चल रहा था, उसको काहे बंद करा दिया आप? तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और सब लोग बन रहा है। बिहार में क्या है कि आप शर्ट के ऊपर गंजी पहन लीजिए तो आपको लोग जमीनी नेता मान लेंगे। बिहार में जमीनी नेता वही है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बेवकूफ है, जो बेवकूफ हो या ना बेवकूफ के तरह दिखता या बिहेव करता हो। और जनता और पत्रकार मानते हैं कि यही चलेगा बिहार में, कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी अगर खड़ा हो जाए तो आप लोग सारे लोग मिलकर ये कहेंगे कि तो बिहार में चलबे ना करिए, यही आप लोगों ने दुर्दशा बना रखी है। आपका दोष नहीं दे रहे, यही आपने हमने अपने समाज की दुर्दशा बना रखी है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है, हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग, नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है, वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा, वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ, आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको, आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है, ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है, आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं आप बताइए ना, किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं।